चीन के दिग्गज कारोबारी और अलीबाबा के फाउंडर जैक मा एकाएक पाकिस्तान के दौरे पर चले गए और इसने हलचल बढ़ा दी। एक मीडिया रिपोर्ट में उनके इस सरप्राइज विजिट का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पूर्व चेयरमैन मोहम्मद अजफार एहसान ने जैक मा के इस दौरे की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक वे लाहौर में 29 जून को थे और वहां करीब 23 घंटे ठहरे हुए थे। इस दौरे पर जैक मा ने सरकारी अधिकारियों और मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। जानकारी के मुताबिक वो एक निजी जगह पर ठहरे हुए थे और 30 जून को एक प्राइवेट जेट के जरिए वापस चले गए। ये प्राइवेट जेट जेट एविएशन के VP CMA का था। जैक मा 7 कारोबारियों के दल में पाकिस्तान गए थे, जिनमें चीन के 5, डेनमार्क के 1 और अमेरिका के 1 नागरिक थे। ये सभी हांगकांग के बिजनेस एविएशन सेक्टर से चार्टर्ड फ्लाइट से नेपाल के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे। जैक मा किस मकसद से पाकिस्तान के दौरे पर गए थे, इसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख सकते हैं। सोशल मीडिया में इसे लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कारोबारियों का ये दल पाकिस्तान में कारोबार की संभावनाओं की तलाश कर रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्होंने कारोबारी केंद्रों का दौरा किया, इसके अलावा दिग्गज कारोबारियों और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। हालांकि किसी भी कारोबारी सौदे और बैठक को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। एहसान ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि जैक मा का पाकिस्तान का दौरा पूरी तरह से व्यक्तिगत था, यहाँ तक कि चीन के दूतावास को भी इस यात्रा की कोई जानकारी नहीं थी। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन फॉर IT एंड ITELS के चेयरमैन जुहेब खान का कहना है कि ये यात्रा पूरी तरह से व्यक्तिगत थी, लेकिन इसने टूरिज्म के लिहाज से पाकिस्तान की छवि को बढ़ाया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान के IT सेक्टर को लेकर अगर जैक मा कुछ भी कहते हैं तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के अधिकारियों को इस मौके का फायदा उठाते हुए जैक मा के साथ बैठक करनी चाहिए थी, ताकि IT वर्ल्ड में उनके अनुभव का फायदा लिया जा सके।